नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की शुरुआत करने से पहले, जब आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, जब आपके दिमाग में ये विचार आता है कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, उससे पहले आपको क्या सोचना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज नोन एज द प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मीनिंग होता है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, तब आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, तब आपको ये 5, 10, 20 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिनसे कि आप प्रेगनेंसी में होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है, उनसे आप अपने आप को बचा सकें और एक स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दे सकें। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका जच्चा बच्चा एकदम स्वस्थ हो, उनमें किसी तरीके की कोई खराबी ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने बहुत अच्छे तरीके से, खुशी खुशी और सौहार्दपूर्ण तरीके से निकले, यही चाहते हैं ना आप? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले, प्रेगनेंसी प्लानिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही जिसको बोलते ना कि अहम बात, कि आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। आपका और आपके पार्टनर की, दोनों की इसमें सहमति होनी चाहिए। अगर आप और आपके पार्टनर कंप्लीटली आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली रूप से आप समझ चुके हैं कि हम एक नए बच्चा, एक हमारी फैमिली में आए एक नया मेंबर आता है, उसकी जिम्मेदारी हम उठाने के लिए फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली हम सब रेडी हैं, देन हमें इस चीज का स्वागत करना चाहिए और हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो ये आपके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, आप तनाव का कारण बना सकती है प्रेगनेंसी आपके लिए, और जिसका बच्चे पे, सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए अपने पार्टनर की सहमति के साथ, दोनों मिलकर खुशियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मेंटली फिटनेस के बाद में जो मोस्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मेंटल फिटनेस, यानी कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिजिकल फिटनेस, कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार है या नहीं है। अगर आपकी बॉडी कमजोर है या आप फिजिकली फिट नहीं है, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं कि हाँ हम एक प्रेगनेंसी कर सकते हैं, हम एक नए मेंबर को अपने परिवार में ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, एक बार जाकर रूटीन चेकअप जरूर करवाइए। क्योंकि रूटीन चेकअप जब आप अपने डॉक्टर से करवाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है आपकी बॉडी में, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को आगे अफेक्ट कर सकती है। जो कॉमन बातें हैं जो चेकअप में ध्यान रखी जाती है, जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो क्या क्या आपका चेक करती हैं, सबसे पहले होता है आपका वजन, कि वजन आपका सही है या नहीं है। कई बार बहुत कम वजन होता है, कई बार बहुत ज्यादा वजन होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के आउटकम ऑप्टिमम नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप अपना पहले डॉक्टर अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं, कम है तो आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा तो आप कम कर सकते हैं, और थोड़ा फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए आप एक्सरसाइज, योगा, जिम, बहुत सारी चीजें हैं, मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ा फिजिकल और मेंटल फिटनेस आपकी बॉडी में आए और एक अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी को आप कैरी ऑन कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वजन के साथ आपका बीपी कितना चल रहा है, बीपी आपका नॉर्मल है या नहीं, ब्लड प्रेशर बीपी, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा चलता है, बहुत कम है, तो भी दिक्कत दे सकता है। अगर आप पहले से बीपी के मरीज हैं, यानी हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो आपका रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके कोई हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट, कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, किसी और भी कोई इसी प्रकार की कोई बीमारी उसके चल रही होती, तो ये जो आपकी बीमारियां कहीं चल रही हैं, वो आपके सही स्थिति में है या नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके थायराइड नहीं है, बट फिर भी एक बार थायराइड और एक बार ब्लड शुगर की चेक जांच कराई जाती है, जिससे कि ये पता चल सके कि कहीं थायराइड सब नॉर्मल, सब क्लिनिकल लेवल पे तो नहीं चल रही, जो बच्चे के आगे दिमागी विकास को, संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है। तो इट शुड बी चेक प्रॉपरली कि आपका थायराइड बिल्कुल सही लेवल पे चल रहा होना चाहिए, क्योंकि थायराइड अगर आपका अबनॉर्मल है, तो हो सकता है कि अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, हो सकता है कि बच्चा दिमागी रूप से विकसित ना हो, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। आप अपना थायराइड लेवल जरूर चेक करें, ब्लड शुगर आप चेक कराते हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली में ब्लड शुगर
ज्यादा की यानी कि डायबिटीज की हिस्ट्री चल रही हो, आपकी मम्मी को, आपके नानी को, आपके मामा को, किसी को डायबिटीज की शिकायत हो, तो आप में भी दिक्कत हो सकती है, तो आप अपना चेकअप जरूर करवाइए ताकि आपको पता चल जाए कि शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है। और भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो एक सिंपल नॉर्मल टेस्ट से आपके कई जांचों का, कई बीमारियों का पता चल जाता है, जिसका कि प्रेगनेंसी से पहले ट्रीटमेंट करने से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका खून की जांच, जिसमें होता है एनीमिया की जांच यानी हीमोग्लोबिन का लेवल। अगर आप में खून की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 10 पॉइंट के नीचे आ जाता है तो दैट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। अगर उस स्थिति में आप मां बनती है यानी कि प्रेगनेंसी कैरी ऑन करती है तो बच्चे में भी आयरन की कमी यानी कि खून की कमी होती है और बच्चा समय से पहले पैदा होता है यानी जिसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं, बच्चे में खून की कमी हो सकती है, बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक सिंपल आयरन की गोली खा के या आयरन का एक इंजेक्शन लगवा के आप अपना आयरन का लेवल बॉडी में बढ़ा सकती हैं और अपने खून का हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको 10 के ऊपर ले जा सकती है। तो आइडियली शुड बी 12 के ऊपर होना चाहिए, बट फिर भी 10 के ऊपर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इसके कम से नीचे है तो आप अपने प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा पोस्टपोन कीजिए, पहले अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव की रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से अबॉर्शंस के कारण अबॉर्शन हो सकते हैं, तो एक बार पहले से अपने को पता हो तो अपन प्लान कर सकते हैं कि अपने को कैसे करना है, आगे क्या क्या ध्यान रखना है, मेंटल रूप से हम प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बीपी की या और किसी बीमारी की आप दवाई ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि कई दवाइयां होती हैं कि जो बच्चे को नुकसान करती हैं, जैसे कि बीपी के दौरान अगर हाइपरटेंशन के लिए एस इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती है जिससे बच्चे की किडनी खराब हो सकती है या और भी कई तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो दवाई फिर डॉक्टर चेंज कर देता है। डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन या कुछ और जैसी गोलियां होती हैं कि जो कई बार नुकसान कर सकती हैं, मेटफॉर्मिन फिर भी सेफ है, वो ली जा सकती है, बट और इस कैटेगरी में और भी ओरल ड्रग्स आती हैं कि जो बच्चे को नुकसान करती हैं, तो वो हमें चेंज ओवर करानी होती है अपने डॉक्टर की सलाह से। किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और मिर्गी की जो दवाई है वॉलप्रोएट है वो बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है, बनावटी खराबियां कर देती है, तो वो हमें चेंज करना हो गया। हार्ट का पेशेंट है तो उसके वारफेरिन चल रहा है तो बच्चे में भी हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वारफेरिन से उसको हेपरिन के इंजेक्शन पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जो प्रेगनेंसी से पहले हमें देखनी पड़ती है कि ये स्विच ओवर करना है। बीमारी कंट्रोल करना भी जरूरी है और दवाई देना भी जरूरी है, लेकिन दवाई वो दें जो प्रेगनेंसी में सेफ हो। तो ये सारी चीजें आपको कौन सही करके देगा, कौन कैलकुलेट करेगा, कौन इनको एडजस्ट करेगा, आपका डॉक्टर आपको करके देगा। डॉक्टर की सलाह के बिना आप कुछ चेंजेस ना करें, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी चली आ रही हो, जैसे थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और भी कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो फैमिलीज में रन करती है, यानी मम्मी पापा के बच्चों में, बच्चों से उसके बच्चों में, उसके बच्चों से उसके बच्चों में, इस तरीके से चली आ रही होती है। हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में वो कैरियर हो, उनमें वो बीमारी नहीं है, लेकिन जब वो उन दोनों के से जो नई संतति यानी कि जो नया बच्चा पैदा हो रहा है उसमें वो बीमारी प्रमोट हो जाए, पता चल जाए, इसलिए पहले ही एक बार टेस्टिंग्स होती हैं, कई प्रकार की जांचें होती हैं जिससे कि अपने को ये पता चल जाता है कि ये बीमारी कहीं आगे तो नहीं बढ़ेगी। तो हम उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह करके कुछ और प्लान कर सकते हैं, क्योंकि IVF में डिजाइनर बेबीज भी बनाए जाते हैं जिनसे कि बीमारियां पहले ही दूर कर दी जाती है, वो जो जीन होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो आप बहुत सारी चीजों को आगे कैरी ऑन करने से बच सकते हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया, बहुत सारी चीजें जिनसे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं और आप अपनी फैमिली में एक हेल्दी बेबी ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरूरत है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की, प्रिपरेशन की, इसके बिना ये सब अधूरा हो जाएगा। और एक आखिरी सलाह, एक फोलिक एसिड की गोली, बहुत छोटी सी पीले रंग की छोटी सी गोली आती है 5 mg की, वो कम से कम 2 महीना पहले लेना शुरू कर दे। 2 महीना नहीं बचा आपके पास, 1 महीना तो जरूर लीजिए। 1 महीने में अगर आप फोलिक एसिड पहले लेते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, तो आपके बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं यानी कि सिर की हड्डी नहीं बनना, रीढ़ की हड्डी नहीं बनना, उंगलियां नहीं बनना, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपने बहुत बारे में सुना होगा कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके ऊपर सिर की हड्डी नहीं थी, दिमाग खुला था, रीढ़ की हड्डी नहीं बनी है। तो एक छोटे से फोलिक एसिड की गोली नहीं लेने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चा सर्वाइवल
के लायक नहीं होता, वो बच्चा खत्म हो जाता है, तो आपने प्रेगनेंसी कैरी ऑन भी करते हैं लेकिन वो बच्चा सही नहीं है। और सिर्फ इसलिए सही नहीं है कि आपने फुलिक एसिड की गोली नहीं खाई थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग। और आप इसमें जो छोटी बातें आपको बताई गई है, ये सब चीज़ों का, इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे और आपका प्रेगनेंसी का जो सफ़र है बहुत ही सुहाना होगा। और अगर जब आप प्रेग्नेंस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी आपको हो जाती है, तो फिर आप किन बातों का ध्यान रखेंगे उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको हमारा जयपुर दूरबीन का चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइए, उसके बगल में बेल आइकन है उसको एक बार जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर सुशीला सैनी एक बार विदा लेती हूँ, फिर से मिलूंगी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।